सब लोग लगाया वो जी पाखरिया ने सजाया वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों आज यहाँ के आप सभी लोग हाँ अपनो जीवन है वो भरपूर तरीके से जीना चाहवा हाँ कि आप ये जीवन अच्छे से जी सका और इसके लिए जरूरी है कि अपनो स्वास्थ्य है जको अच्छो होना चाहिए बेहतर होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य आपनों साथ नहीं दोगे बीमारियां से अपनो शरीर घिरो रहोगे तो आप जीवन भी है अच्छे से को नहीं जी सकेंगे। अपने शरीर ने अलग अलग वर्ग में अलग अलग पोषक तत्व की जरूरत हो तो ये पोषक तत्व कई हैं पोषण आप किया ले सका हाँ अपने खान पान से किया भी ने ग्रहण कर सका हाँ आज चीज आज आप अपने कार्यक्रम में बात करेंगे और आज अपना विषय है बेहतर पोषण बेहतर स्वास्थ्य और इस पर जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है डॉक्टर मंजू यादव जी। आप संयुक्त परियोजना समन्वयक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपको। तो जहाँ कि आप पोषक पोषण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानना चाहूँगा पोषण का ही है पोषण तत्व का ही है कि अपने शरीर में की जरूरत हो। पोषण का मतलब होता है कि हम जो भी हमारे भोजन में ले रहे हैं उससे केवल हमारे शरीर की भूख की तृप्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे हमारे दिमाग का भी विकास हो एक संतुलित रूप से हम हमारे शरीर और मन का विकास कर सके। तो शारीरिक और मानसिक विकास जब होता है तब हम उसको पोषण मानते हैं। यानी आप जो भी खा रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आप दिन प्रतिदिन के भोजन में शामिल करें जिससे आपका न केवल शारीरिक विकास हो अपितु आपका मानसिक विकास भी हो। मतलब आप कई बार जहाँ आप खाना खा रहे हैं तो आप जहाँ कभी पेट भर गया आप लोगों का संतुष्ट हाँ अपन भी दो टाइम को खाना मिल रहा है तीन टाइम को खाना मिल रहा है तो आई बात जरूरी को नहीं हो है। मतलब कुछ पोषक तत्व जो आप मतलब शरीर ने चाहिए हो बाकी मतलब पूरी पूर्ति होनी चाहिए। तो एक साथ साथ अगर कोई इंसान सही पोषण नहीं ले रहे तो अभी का कहीं कहीं दुष्प्रभाव भी आपने देखने ने मिला है। जैसे अभी आपने कहा कि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने का मतलब जैसे आपने मान लीजिए आपको भूख है आपने तीन सिर्फ चपाती खाई और सब्जी खाई लेकिन सिर्फ चपाती और सब्जी खाने से आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये जो पोषण की कमी होती है उससे आप देखेंगे कि बच्चों में विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में उम्र के हिसाब से जितनी लंबाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती जिसे हम नाटापन कहते हैं या फिर जितना आपकी उम्र के हिसाब से ऊंचाई के हिसाब से वजन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता तो वो बच्चे अल्प वजन के हो जाते हैं। तो बच्चों में नाटापन दुबलापन और उनका उम्र के हिसाब से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसी तरीके से महिलाओं में आप देखेंगे कि एनीमिया हो सकता है खून की कमी हो सकती है और ये आप देखेंगे कि लगभग 60% महिलाओं में हम इस चीज़ को देखते हैं कि उनका सही पोषण नहीं मिलने के कारण उनमें खून की कमी दिखाई देती है। तो शारीरिक और मानसिक जो संकेत हैं वो आपको पता लगने लगता है कि आपके शरीर में पर्याप्त पोषण की कमी हो रही है। अच्छा तो अगर मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति है तो आप जो को खाना खा रहे हो भोजन ले रहे आप बैठ रहे थाली में तो वो क्या ध्यान लगाओ कभी आपने ये खाना के अंदर पोषक तत्व है आपन वो लेना चाहिए तो कौन कौन सा खाना के अंदर पोषक तत्व मौजूद हो जो अपन आहार के अंदर शामिल करना चाहिए। मनीषा जी जैसे हम बात करें कि कोई भी भोजन हम जब करें चाहे मध्याह्न भोजन करें दोपहर का करें सुबह का करें शाम को करें तो तीनों तरह के जो भोजन है दिन भर में जो हम करते हैं उनमें हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि विविधतापूर्ण हो। अच्छा। यानी एक ही चीज़ हम जैसे लगातार हम गेहूं की चपाती खा रहे हैं तो उसके बजाय आप मोटे अनाज भी शामिल करें। अच्छा। तो जैसे हम गाँव में बाजरा मक्का इन सबको पहले खाते थे और आज धीरे धीरे प्रचलन से बाहर कर दिया। अच्छा। तो इनको भी यदि हम हमारे डाइट में शामिल करेंगे तो उनसे पोषण मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बात करूँ जैसे कि तिरंगा भोजन की एक अवधारणा है कि तिरंगा भोजन करेंगे तो पर्याप्त पोषण मिलेगा। मतलब कि जो तिरंगे में रंग होते हैं यदि हम बात करें कि जो हमारा नारंगी रंग है तो उसमें हम अधिकतर दालों को शामिल करते हैं तो हमारी प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो हमारे सफ़ेद रंग की बात करें तो जो हमारे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं उनको हम ले सकते हैं और हरे रंग की बात करें तो जितनी भी हमारी हरी सब्जियां हैं ये सब हमारे इस तिरंगा भोजन की जो थाली होती है उसमें यदि हम इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से महिला या बच्चा जो भी उस भोजन को कर रहा है तो उसका पोषण पूरा होगा।
बिल्कुल, तो कहना मतलब आपने जगह थाली है वह भी रंग बिरंगी से होनी चाहिए ना, एक आधा रंग से काम कौन सा लोगा, अपना तीनों रंग जहाँ तिरंगा के अंदर हो भी यहाँ अपने तीन चार रंग अपने थाली के अंदर देखना ने मिलना चाहिए जी। तो जी के अंदर जी हाँ अपन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई बहन आप लोगों ने ध्यान रखना कि आप जब थाली लेके बैठा तो अगर आप चपाती भी खा रहे हैं तो हमेशा जहाँ गेहूँ की नहीं खा के वो थे अनाज अपनों बदल के बना सको, बाजरे की हुई मक्के की हुई इस तरह से जो भी अपना मोटा अनाज है बना आप रोटी के अंदर शामिल कर सका हम, बाकी आप रोटी बना के खाओ तो अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और इसके साथ साथ दाल है जहाँ और जहाँ आपने नारंगी रंग आपने तिरंगा के अंदर बताया भी के अंदर आप दाल आने शामिल कर सकें तो खाना में आप रोटी के साथ जहाँ दाल ले सका। हाँ हरी सब्जियाँ हैं जो आपने मौसमी सब्जियाँ आराम से मिल जाए आपने जो भी चाल रही हो स्थानीय अपने क्षेत्रीय जगह में तो वह आप ले सकें, अपन सस्ती भी मिलेगी और आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी अपन तो हरी सब्जियाँ आप ले सका। हाँ सफ़ेद रंग की आप बात करते हैं अंदर आप दूध छाछ दही ऐसी चीज़ आप अपने खाने के अंदर इस्तेमाल कर सका तो आप नहीं आप अपना भोजन है ना आराम से रंग बिरंगो करना है बहुत बढ़िया तरीके से। एक बात और मनीषा जी, जैसे 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं तो पोषक अच्छा। अनाज मतलब मिलेट्स, तो मिलेट्स में जो भी हमारे यहाँ बाजरा है और जो हम लोकली जो हमारे आदिवासी जिले हैं या जो भी राजस्थान के विभिन्न जिले हैं उनमें वहाँ स्थानीय रूप से जो भी अनाज उगता है उसको जरूर हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। मतलब जैसा जो चीज हो रही है जो जिसे अनाज पैदा हो रहे है जमीन उसको हमें वो बान लोगों ने जरूर इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो एक साथ अपा क्योंकि पोषण की बात कर रहे हैं अब अपा जाना कि हर वर्ग ने अलग अलग पोषण की जरूरत हो गए, नवजात बच्चों तो बिना अलग पोषण की जरूरत है, गर्भवती महिला है तो बिना अलग पोषण की जरूरत है, किशोर किशोरियां की भी बात करें वृद्ध बुजुर्ग की भी बात करें तो सबको अलग अलग शरीर के हिसाब से मांग होती होगी तो उनके हिसाब से अपा खानों पीनों करना चाहिए। तो आप शुरुआत करेंगे कि नवजात बच्चों की बात करें तो वो भी गर्भावस्था से अपन ध्यान रखना पड़े जी, तो सबसे पहले आप गर्भावस्था की बात कर लें तो गर्भवती महिला ने अपने खान पान में कहीं विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा हम कहते हैं कि एक स्वस्थ माता ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है तो अगर हम गर्भवती महिला के गर्भधारण के समय से ही जी। उसका उचित देखभाल उसके पोषण का ध्यान रखेंगे तो जो होने वाला शिशु है वो भी स्वस्थ ही जन्म लेगा। तो गर्भावस्था के दौरान हम उसको इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन भी इस संबंध में छोटे छोटे वीडियोज़ उपलब्ध हैं और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आजकल हमने मोबाइल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो गाँव में दिखा के और उन महिलाओं को परामर्श देने का हमने काम शुरू किया है। तो वो जाके गर्भवती महिला को ये बताती है कि आपको अपना जब से गर्भधारण हुआ उसके बाद से आपको नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच तो करानी करानी है, साथ में आपको घर पर जैसा मैंने बताया तिरंगा भोजन है इसी प्रकार विविधतापूर्ण भोजन आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान लेना है ताकि आपको और आपके बच्चे को पूरा पोषण मिल सके। और ये पता कैसे लगेगा कि उसको पूरा पोषण मिल रहा है तो जब भी उसकी प्रसव पूर्व जाँच हो रही है आंगनवाड़ी केंद्र पे सब सेंटर पे तो उस समय उसका निश्चित रूप से गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से वजन बढ़ना चाहिए। यदि वजन बढ़ रहा है तो मतलब बच्चे को सही पोषण मिल रहा है। तो अब तो गर्भावस्था की बात हुई और गर्भावस्था के बाद भाई प्रसव होने के बाद अगर नवजात शिशु की आप बात करें तो भी गंदा आप कहूँ कि स्तनपान बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए आप कहीं गंदा तो कहीं है एक तो पहला दूध जब को कहा करें तो कई तो बिन गंदो दूध समझे है तो वो कितना ज़रूरी है बच्चा के लिए और कितना टाइम तक आपने स्तनपान बच्चा ने कराना चाहिए। जब शिशु जब जन्म लेता है तो उसके बाद में जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं अच्छा। तो वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है और वो उसको पिलाना ही चाहिए। पुराने ज़माने में हमारे ये अवधारणा थी कि उसको साफ़ करके और फिर बच्चे को पहले घुटी दी जाती थी किसी जैसे कि कभी गुड़ के पानी की तो इस तरह की जो घुटी देने की प्रथा थी उसको धीरे धीरे जागरूकता से बहुत हद तक कम किया है और जो बच्चे के दादी है या बच्चे की माँ है पेरेंट्स हैं जो भी गार्जियन है वहाँ जो हॉस्पिटल में उनके साथ रहते हैं अगर इंस्टीट्यूशनल यानी संस्था अगर डिलीवरी हुई है तो और घर पे तो आजकल प्रसव वैसे ही बंद हो गए क्योंकि सरकार का भी ये प्रयास है कि आप अपने निकटवर्ती हॉस्पिटल में ही प्रसव कराएं तो उससे क्या होता है कि उसको सरकारी योजना से जो आर्थिक प्रोत्साहन मिल रहा होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और आपके बच्चे के जन्म के समय आपको जो चिकित्सीय देखभाल मिलनी चाहिए वो समुचित रूप से मिल जाती है। तो वहाँ पर हमारे चिकित्सा विभाग के जो आशा बहनें हैं उनके माध्यम से ये सुनिश्चित कराया जाता है कि जन्म के एक घंटे के भीतर बच्चे को माँ का दूध मिल जाए तो ये होता है अर्ली इनिशिएशन। फिर उसके बाद में 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना है। पानी की भी जरूरत कौन पड़े जी नहीं अपन मानते हैं कि गर्मी में जैसे बच्चे के होठ सूख रहे होंगे तो कई बार गांव में आपने भी देखा होगा कहते हैं थोड़ा सा पानी पिला देते हैं बच्चे के गला सूख रहा है लेकिन जो माँ का दूध होता है उसमें पानी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है
तो हमें पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। और जब 6 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद में हम ये सलाह करते हैं कि उस बच्चे का हम आंगनवाड़ी सेंटर्स पे अन्न प्राशन की एक्टिविटी कराते हैं, आंगनवाड़ी के ऊपर अपन जी, कि बच्चे का मुंह जूठन कराना जैसे बोलते हैं। अच्छा, तो खीर से उसका बच्चे का मुंह जूठन कराए तो अन्न प्राशन हो गया, ये हमारे भारतीय संस्कारों में भी शामिल है। और उसके बाद से हम ये सलाह देते हैं कि आप बच्चे को माँ का दूध तो पिलाएं 2 साल तक, और उसके साथ साथ आप बच्चे को अर्ध ठोस आहार खिलाएं, तो जितना वो खा सकता है उसके हिसाब से उसको बार बार समय के अनुसार कभी माँ का दूध और साथ में उसको दिन में 2 से 3 बार अर्ध ठोस आहार भी उसको खिलाना चाहिए। तो कहने का मतलब अपन 6 महीना तक नवजात शिशु ने केवल अपन माँ को दूध ही देना है जी, बी के अलावा अपन पानी की भी जरूरत नहीं है। और जी ही बच्चों 6 महीना को हो जावे तो बी के बाद आप कुछ ठोस कह सकें कि थोड़ा ठोस खाना भी ना शुरू कर सका हाँ पोषण के लिए जरूरी। और जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाए 6 महीने से साल भर का हो गया तो वैसे वैसे उस जो हम दूध के साथ में जो अतिरिक्त पोषण दे रहे हैं उसकी मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, मतलब हर तरह को खाना फिर 1 साल के बाद बच्चा ने जहाँ पास खावा हाँ सब चीज़ तो पापा देना शुरू हाँ, कर सकता थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसी समय उसकी बच्चे की स्वाद इंद्रियाँ भी शुरू होती हैं बनना शुरू होती हैं। तो बच्चे को आप सब तरह की चीज़ें जो है वो जो खा सकता है मतलब जिस लिक्विड और सेमी लिक्विड अगर तरल रूप में खा सकता है तो उसको थोड़ा ठोस भी रखना चाहिए, क्योंकि तरल से उसकी मतलब सीधा ठोस नहीं देना, अपन तरल से थोड़ा कोई गाढ़ो जी, रूप है जहाँ दलियो है पतली खिचड़ी है दाल खिचड़ी है दही में रोटी चूर के खिला सकते हैं। अच्छा, फिर धीरे धीरे अपन ठोस के अंदर बिना तब्दील करना जी। तो आ तो बच्चा के खाने और साथ में अपन दूध पिलाना जो 2 साल तक जारी रख सके माँ, बिल्कुल 2 साल और साथ में खानो शुरू कर देना जी। और बात है तो 2 साल तक माता बहना है जो कि स्तनपान आराम से अपना बच्चा ने करा सके है। अब बात बच्चा की चाल रही तो विशेष ध्यान आपा नहीं लगा कि भाई आप साफ सफाई को भी जरूरी है, आप आहार तो अच्छा ले रहे हैं पर अगर आप साफ सफाई को ध्यान नहीं दे रहे हैं कीटाणु है वह अगर आपने शरीर में खाने के जरिए गंदे हाथा के जरिए आपने शरीर में पूग रहे हैं तो भी आपने शायद लाभ को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप कहीं कहना चाहोगे कि साफ सफाई को किस तरीके से आपने ध्यान रखना है? जब से बच्चा जन्म लेके और धरती पर मतलब उसका एक तरीके से पदार्पण होता है तो तब से ही माँ को स्पेशली हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप जब बच्चे की देखभाल करें चाहे उसे स्तनपान ही करा रहे हैं तो आप साफ हाथ धो के और उसके बाद बच्चे को स्तनपान कराएं। फिर जब बच्चा 6 महीने का होने के बाद हम उसको साथ में ऊपरी आहार का भी परामर्श देते हैं तो जब भी बच्चे को आप खाना खिलाएं उस समय आपके हाथ साफ होने चाहिए, धुले होने चाहिए, जो कटोरी चम्मच आपने काम में लिए बच्चे को खाना खिलाने के लिए वो भी साफ़ होनी चाहिए। आप गर्म पानी का प्रयोग करें, गाँव में भी हम ये अगर आपको साफ पानी पीने के लिए अवेलेबल है तो आप गर्म करके छान के उसको ठंडा करके काम में ले सकते हैं। और जो पीने के पानी का पात्र है उसको आप ढक के रखें। तो ये एक सामान्य सी स्वच्छता की बातें हैं जो कि हम हमारे जो भी लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र पर आते हैं या जो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए हैं उनको हम इन बातों का समय समय पर सलाह देते हैं। बिल्कुल, एक आप बढ़ता बच्चा की बात करें, बच्चा जब बढ़ रहा हुआ है एक आप विशेषकर जब किशोरावस्था की बात करें तो इसमें बहुत सारा शारीरिक बदलाव हो रहा हुआ है तो इसमें भी शायद वह बच्चा ना और ज़्यादा खान पान पोषण की और ज़्यादा ज़रूरत होती होगी तो कहीं बदलाव। और एक खासकर आप जब बालिकाओं की बात करें, आपने जब किशोरी बालिकाएँ हैं वहाँ आप देखा खून की कमी भी आपने देश में बहुत ज़्यादा देखने में मिला है, गर्भावस्था का समय भी औरता के अंदर खून की कमी और किशोरावस्था में ज्यादा आपा देखा जी। तो एक खून की कमी ना आप पूरा कर सका एक लिए तो आप खान पान में कहीं विशेष ध्यान रखा कि आपने घर से ही बात चीज उपलब्ध हो जावे जो आपने खून की पूर्ति करे और एक अलावा भी अगर नहीं हो रही है तो इन्हें पूर्ण करने के लिए आप आंगनबाड़ी से अगर टच के अंदर हाँ तो वह आपने की तरह की सलाह दे सके कहीं बस आपने फायदा मिल सके। किशोरी बालिकाओं में या महिलाओं में यदि हम बात करें कि मैं इसको साइंटिफिकली बताना चाहूँगी कि जैसे हम NFHS-4 यानी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो सर्वे होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो उसकी जो पिछली रिपोर्ट थी NFHS-4 की रिपोर्ट उसमें 46.8% किशोरी बालिकाएं और महिलाएं 15 से 49 आयु की उनमें खून की कमी देखी गई मतलब वो एनीमिक थी। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है NFHS-5 की उसमें ये बढ़ के और भी 54.4 हो गया मतलब और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हाँ, यानी कि समय के साथ साथ महिलाओं में किशोरी बालिकाओं में खून की कमी होती जा रही है तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं ये सरकार के लिए भी एक कार्य का बिंदु है, सोच का बिंदु है कि हम क्या रणनीति अपनाएं कि इनके इस बढ़ते हीमोग्लोबिन लेवल में जो कमी आ रही है उसको हम कैसे ठीक कर सकें। तो इसके लिए चिकित्सा विभाग और हमारा विभाग ये मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनमें जो पूरक
हमको सप्लीमेंट देना है आयरन की कमी के लिए, तो उसके लिए हम IFA की गोलियाँ हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पर, हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं जहाँ किशोरी बालिकाएँ होती हैं 12 क्लास तक की, और इसके साथ साथ जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर, इनको IFA की गोलियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को जो हम शक्ति दिवस का आयोजन करते हैं, अच्छा, तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारे जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर इनकी जो स्क्रीनिंग की जाती है कि जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी है, ये एडोलसेंट गर्ल है, इनमें खून की कमी देखी गई है जिनको हीमोग्लोबिन जाँच में, तो फिर उनको परामर्श भी दिया जाता है और उनको हीमोग्लोबिन की पूर्ति करने के लिए उनको आयरन की गोलियाँ भी दी जाती है। अच्छा। तो घर पे उन्हें क्या खाना है उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावे दें। अच्छा। और गुड़ है आपके, ये सिके हुए चने हैं, इस तरह की चीज़ें आप खाएं जिनसे आपकी आयरन की पूर्ति होती हो, और इसके साथ साथ आप जो भी बना के खाएं उसको आप लोहे की अगर कढ़ाई में बना के खाते हैं तो भी आयरन की पूर्ति होती है। और सर्दियों में आप मिलेट्स, जैसे मैंने कहा बाजरा, राजस्थान में हम बहुत ज़्यादा उगाते भी हैं पर खाना धीरे धीरे प्रचलन में कम हो गया है, तो हम कोशिश करें कि उसको भी हमारी डाइट में शामिल करें। सर्दी गर्मी हर मौसम में हमें खाना चाहिए, तो इस तरीके से हम जो हमारे स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं उनको ही यदि हम चेंज कर करके हमारी डाइट में शामिल करेंगे तो ये जो एनीमिया का लेवल है वो धीरे धीरे हम सुधार पाएंगे। बिल्कुल, एक तो आपा ने वो ध्यान रखना कि आप हरी सब्जियां पर ज़्यादा ध्यान देवा, अगर आप अपना शरीर को जो आयरन है वो बढ़ाना चाहवा, अपने खून की कमी अभी पूरी करना चाहवा, तो आपने जो किशोरी बच्चियां हैं और महिला बहना हैं जिनमें खून की कमी पर ध्यान रखें कि हरी सब्जियां पर विशेष ध्यान दे कि आपने हरी सब्जी खानी है। और आप देखो खाना वाना बनाओ तो एक भी आप ध्यान रखो कि आप लोहे की जगह कढ़ाई है बिकंदर आप खाना बनाओगे तो भी आपने लोहे आयरन जगह पूर्ति है वह हो सकेगी, तो वो आपने विशेष ध्यान रखना है अपने खाने के अंदर कहीं कहीं आपने शामिल करना जिससे खून की कमी अपने बच्चियों में भी नहीं हो और अपने महिला बहनों में भी नहीं हो। अब बात ICDS अपना जो विभाग है तो इसमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य ने लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य ने लेकर और कोई कहीं विशेष कोई अगर योजना चल रही है अभी तो कहीं कौन कौन सी है? ICDS विभाग में स्पेशली हम काम ही बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए करते हैं। अभी कहीं चल रही है तो जो 6 साल तक के बच्चे हैं और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और धात्री माताएं यानी कि जो 6 माह के शिशु को स्तनपान कराती हैं और इसके साथ साथ किशोरी बालिकाएं, तो इनके लिए जो हमारी मुख्य योजना है वो है पूरक पोषाहार। तो पूरक पोषाहार मतलब सप्लीमेंट्री, यानी कि हम पूरा भोजन नहीं दे रहे हैं बल्कि उनको हम भोजन के साथ साथ जो उनके पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसकी पूर्ति के लिए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड यानी सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें हमने ऐड किए हैं। अच्छा। तो उससे युक्त हम पोषाहार हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनको उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा जो हम सलाह दे सकते हैं उसमें हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पर हर माह एक MCHN डे हम मनाते हैं, मदर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। अच्छा। तो जो भी गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, हमारी किशोरी बालिकाएँ ये वहाँ आती हैं और उनको ये पोषण दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है कि आपको क्या खाना है। उनके खून की जांच की जाती है, महिलाओं जो गर्भवती महिलाएं उनके वजन और उनकी ANC टीकाकरण इन सब का समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सब को देखा जाता है। इसके अलावा माह में 2 बार हम लोग सेंटर पर समुदाय आधारित दिवस मनाते हैं, जैसे गर्भावस्था परामर्श दिवस। तो जो हमारी गर्भवती महिलाएं उनकी गोद भराई होती है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, और गोद भराई एक सिम्बोलिक है, मतलब उसमें हम ये बता रहे हैं कि आपको अब स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो आपको इस पूरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ें स्पेशली खानी है और इस तरह से अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे महिलाओं और बच्चों का जो स्वास्थ्य और पोषण है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, तो उसमें कई जगह हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक रूप से परिवार सक्षम नहीं है तो चाहकर भी गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाता है, तो उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता की योजनाएं भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो ये भी 1 अप्रैल 2022 से हमने पूरे राजस्थान में लागू कर दिए। तो इसमें जो दूसरी संतान होती है उसकी प्रेगनेंसी पे महिला को हम 6,000 का आर्थिक लाभ देते हैं। मतलब पोषण पूरा होने के बाद खान पान के लिए आप 6,000 जी कि वो अपना खान पान के लिए जो भी उसको कमी आर्थिक रूप से कमी महसूस होती है तो वो पूर्ति कर सकती है। और जो फर्स्ट डिलीवरी मतलब प्रथम संतान के रूप समय भी हम उसके स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है तो उसके तहत भी उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए दी जा रही हैं कि उसको गर्भावस्था के दौरान न केवल आंगनवाड़ी केंद्र पर अपनी प्रसव पूर्व जांच करानी है और अपितु बच्चे का संस्थागत प्रसव भी कराना है, बच्चे का टीकाकरण भी कराना है। तो ये सारी शर्तें जब पूरी होती जाती हैं तो उसको किस्तों में ये राशि हम
उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, तो एक अंदर आपने आंगनबाड़ी जगह कार्यकर्ता फैना आशा बहन है, तो आप सबको कहीं कार्य रहे है आना जागरूक करने के लिए, महिलाओं ने जोड़ने के लिए? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें तो हमारी विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि हमारी योजनाएं उन्हीं के माध्यम से समुदाय तक पहुंचती हैं। तो उनके जो आंगनबाड़ी क्षेत्र का जो सर्वे क्षेत्र होता है, जो गांव है, ढाणी है, जो भी उनके एरिया में आती है, वहां पर एक एक महिला के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है कि ये महिला अभी गर्भवती हुई है तो उसका आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना, क्योंकि पंजीकरण के बाद ही सारी सेवाएँ आप लाभ ले सकते हैं। तो उनको पहचान करके उनको प्रेरित करना कि वो अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही उनकी फिर टाइम से प्रसव पूर्व जांच होना, फिर उनका जो टीकाकरण होना है, फिर बच्चे का भी टीकाकरण। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी कार्यकर्ता बहनें और आशा सहयोगिनी बहनों के माध्यम से ही सुनिश्चित करते हैं, और वो डोर टू डोर जाकर सर्वे कर ये सब चीज़ें पहचान करती है कि मेरे सर्वे क्षेत्र में कौन महिला गर्भवती महिला है, कौन महिला जो है 6 माह के शिशु को स्तनपान कराने वाली धात्री महिला है, किशोरी बालिका कौन है। किशोरियों के लिए मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहूँगी कि जैसे हमारी जो 14 से 18 साल की लड़कियां हैं उनके लिए अभी हम केवल 5 जिलों में जैसलमेर, बारा, करौली, धौलपुर और सिरोही, इनमें हम उनके लिए जैसे मैंने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की थी, तो वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अवेलेबल कराना, और इसके साथ साथ उनको जो स्वास्थ्य और पोषण की हमें सेवाएं देनी है, IFA उपलब्ध कराना है, ये सब तो हम इन 5 जिलों में उनके लिए स्पेशली योजना चला रहे हैं। बाकी पूरे राजस्थान में जो हमारी 11 से 19 साल की किशोरियां हैं उनको हम IFA दे ही रहे हैं, और उनकी स्क्रीनिंग एज इट इज हम कर ही रहे हैं। तो आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता और हमारी सहायिका बहन, इन सबका एक टीम के रूप में कार्य होता है, पूरा योगदान एक आप जहाँ बात करें कि गर्भावस्था के टाइम मतलब परिवार वाला भी ध्यान रखा है भाई महिला को कि स्वस्थ बच्चन जन्म देने के लिए जरूरी है कि भाई महिला स्वस्थ हो, गर्भवती महिला। लेकिन फिर बाद आप देखा जब बच्चों आ जावे है दुनिया में तो सारो ध्यान घर का को भी है ना, आप देखा बच्चे के ऊपर तो रहे, लेकिन फिर बाद जब अपनी महिला थी माँ है भी पे थोड़ा सा ध्यान आपा हट जावे, तो क्योंकि बच्चा ने बिन दूध भी पिलाना है माता ने, तो बाने भी कोई विशेष पोषण की जरूरत सिर्फ गर्भावस्था में रहेगी या स्तनपान महिला अगर करा रही है तो बाने भी विशेष अपना आहार पर कोई ध्यान देना है? नहीं, देखिए जब तक माँ गर्भवती है तब तक आपने सही कहा कि सारा ध्यान माँ पर होता है, और जैसे ही शिशु आ जाता है तो सबका ध्यान माँ से शिशु पे चला जाता है, लेकिन उस समय माँ को और भी ज़्यादा पोषण की ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उसे बच्चे की भी जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है तो उसकी माँ से अपेक्षाएँ बढ़ती हैं कि वो जब माँ का स्तनपान करेगा तो माँ को उसके लिए उसकी पूर्ति करने के लिए भी अपने पोषण को और अधिक बढ़ाना पड़ेगा, यानी माँ सही खाएगी तभी वो अपने बच्चे को सही तरीके से स्तनपान करा पाएगी। तो आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे गांव में जब महिला का मतलब शुरुआती 2-3 महीने का जो पीरियड होता तो उसमें स्पेशली उनको पोषण युक्त चीज़ें खिलाते थे, तो अभी भी हम ये प्रयास करते हैं जैसे मैंने बताया आपको कि हम पूरक पोषाहार सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें गर्भवती महिलाओं के साथ साथ हमारी धात्री महिलाएँ भी शामिल हैं। धात्री का मतलब होता है कि जो महिला 6 माह तक अपने शिशु को स्तनपान करा रही हो वो महिला, तो यानी सरकार ने भी 6 माह तक उस माता का ध्यान रखने का जिम्मा उठाया है कि हम उसको भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे ताकि वो अपने बच्चे को सही तरीके से स्तनपान करा सके। बाकी खान पान की जब ध्यान की बात आवे तो आप विशेषकर देखा कि अपने गांव में जब जहाँ पर जापो जी ने कहा तो बिकंदर आप देखा कि महिला बहना ने मतलब घी आरी चीज पर ज्यादा ध्यान देवे, भी कोई लड्डू बनाकर देना है चाहे गोंद का है सौंठ का है तो घी की मात्रा पर ज्यादा फोकस रहे, तो इसके अलावा भी कहीं मैंने हरी सब्जियां फल वगैरह आप आराम से दे सका हाँ कहीं? देखिए उस समय उनको जरूरत होती है लेकिन हमारी कुछ मतलब परंपराएं परंपरा चलती है, हाँ परंपराओं में हमने ये खुद ही एक वो बना रखा है कि ये नहीं खिलाना ये खिलाना है, तो इस तरह की सीमा रेखा नहीं बनानी है, उसको भी एक सामान्य महिला की तरह जो विविधतापूर्ण चीज़ें हैं हरी सब्जियां हैं तरह तरह के अनाज हैं सब कुछ खिलाना चाहिए, तो ये इस तरह की धीरे धीरे सोच में कमी आ रही है। अब आप जो कह रहे हैं उसमें मतलब जो हमारी दादी माएँ हैं जो सास हैं उस वर्ग में भी बहुत बदलाव आया है, और वो बहुओं को धात्री पीरियड में भी अच्छे से उनको पोषण दे रही है। मतलब हरी सब्जियां भी अपन लेनी है फल सब्जियां तो अपन ने लेना है, जो आप लेता है गर्भावस्था के समय भी लेता है तो वह चीज़ें अपन ने जारी रखनी है धात्री के समय भी। तो एक साथ साथ आपने जो कि विभाग बहुत सारी योजना आप अभी बताई महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए, तो योजनाओं को पूरी तरीके से प्रचार प्रसार भी हो सके तो इसके लिए कहीं कहीं प्रयास किया जा रहा है? प्रचार प्रसार करने के लिए भी हमारा विभाग
प्रतिवर्ष अनेक तरह की प्लान बनाते हैं, जिनमें हम लोग दो महत्वपूर्ण एक्टिविटी हम लोग साल भर में आयोजित करते हैं। मार्च में हम लोग पोषण पखवाड़ा मनाते हैं। अच्छा। तो पखवाड़ा मतलब 15 दिन आपको पूरे गांव, समुदाय, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर पोषण से जुड़ी हुई एक्टिविटी करनी है, जो छोटे छोटे मेले, नुक्कड़ नाटक, रैली, स्कूलों में सभाएं। अच्छा। पंचायतों में स्पेशल पंचायतों का आयोजन, और इसी तरीके से सितंबर माह में हम पूरा पोषण माह मनाते हैं। अच्छा, सितंबर में। हाँ, उस समय पूरा माह आपको बहुत सारे विभाग जो आपके पंचायतें हैं उनको साथ लेकर, आपके जो स्कूल विभाग है, चिकित्सा विभाग, इन सबको साथ लेकर आप इतनी एक्टिविटी करते हैं कि लोगों को लगता है कि पोषण जो है वो सबसे जरूरी है और हम सबको इसके लिए। तो कि स्कूल की बात है तो मतलब बच्चा भी अंदर शामिल होगा। जी जी, तो मतलब छोटा से लेकर बड़ा सबने जागरूक होना है, सबने एक साथ मिलकर आपने सहयोग करना है। तो जी, बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य पर आप इतनी अच्छी जानकारी आपने दर्शक भाई बहन दी, तो मंजू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। और अब चैनल को टाइम हो गया, तो लेवा विदा दर्शक से। राम राम सा।